कहा कि मैं मेरे पिताजी को रास्ते से हटा सकूँ, और करते करते ये इस स्थिति में आ गया कि भैया इस जगह मौका मिला, जबकि उसकी घर में उसकी माँ भी नहीं हो, उसकी बच्ची भी नहीं हो, पत्नी भी नहीं हो, तो उसने इस तरह की घटना कर दी। इस घटना से पहले और इसकी घटना के बाद उसने अपने घर में किसी को बताया नहीं, जैसे कि अभी तक पूछताछ शामिल हुआ है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब कोर्ट में उसको पेश कर दिया। सर हथियार कौन सा था? उसने अपने पिताजी को लोहे की छड़ से और जो वहाँ मकान बनने के जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों से उसको मारा, पहले गला दबाने की कोशिश की और उससे मारा। उस दरमियान कोई आवाज़ वगैरह चीख वगैरह कुछ भी? अगर मात्र 8% ही ऑक्यूपेंसी है वहाँ आस पास, ऐसे कोई मकान अच्छा जो जिन जगह हत्या की बड़े सामान्य ढंग से हत्या है, कोई विशेष उसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है कि उसको सीखने के लिए। करीब 1100 बीघा में सनसिटी कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन उसकी ऑक्यूपेंसी अभी 8% के आसपास है। इस सनसिटी में 10 अप्रैल को शाम को ये सूचना मिली कि एक मकान में रहने वाला फूलचंद यादव मृत अवस्था में मकान में पड़ा हुआ है, संभवतः किसी ने लूट मर्डर फॉर गेन का मामला है और संभवतः किसी ने लूट के इरादे से इसकी हत्या की है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की टीम मौके पहुंची, मौके पर सारे हालात दिए, मौके को प्रिजर्व किया। अगले दिन भी हमारी सीनियर ऑफिसर्स की टीम मौके पहुंची। जब बारीकी से निरीक्षण किया गया तो कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरह के सामने आए कि मृतक अपने बेड पर बैठा हुआ होगा मरने से पहले, करीने से उसका चश्मा लगा हुआ था, उसके बाद कुछ खून के छींटे दीवार पे भी हैं, कुछ खून के छींटे धीरे धीरे उसके गेट से बाहर आ रहे हैं, और गेट से बाहर उनका लिविंग रूम है उसमें मृतक पड़ा हुआ था और काफ़ी खून वहाँ बिखरा पड़ा था। हमने सबसे पहले अगले दिन में ये काम कराया कि जो कॉलोनी है सनसिटी कॉलोनी उसके चारों तरफ हमने कॉम्बिंग कराई, चारों तरफ से कहीं से भी दीवार को चढ़कर कोई आदमी आ सकते हैं। तो कॉम्बिंग कराने से ये पहला नतीजा ये निकला कि कोई भी आदमी बाहर से कॉलोनी में नहीं आया। पैरेलली हमने ये कराया कि सनसिटी के गेट पर कुछ कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे के साथ साथ आने जाने वालों को रिकॉर्ड भी रखा जाता है, गार्डेड कॉलोनी है तो वहाँ का हमने रिकॉर्ड लिया। उसके बाद एक आदमी जो अंदर गया था दूध वाला, उससे पता लगा कि वो 5 बजे वो आदमी अंदर गया था, तो उसने देखा बाहर से साइकिल लगी हुई है, तो जिससे साबित होता है कि 5 बजे से पहले की ये घटना होनी चाहिए। इसके लड़के से बातचीत की तो ये पता लगा, लड़के ने बताया कि मैं अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ सुबह करीब 11 बजे निकला था वहाँ से कॉलोनी से। 11 बजे निकलने के बाद मैं जहाँ जहाँ इनका काम था उनको छोड़ा और अपनी दुकान पर आ गया। लड़का प्लास्टिक के सामान की दुकान करता है आपके बड़ा इलाके विद्याधरनगर के इलाके। बाद में उसने बताया कि मैं दोपहर में मेरा काम ख़त्म करके, क्योंकि मुझे ज़रूरी काम था, ज़रूरी काम से मैं दोबारा सनसिटी गया, और सनसिटी में गया तो मेरे पिताजी सो रहे थे, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं वापस आ गया। वो बता रहा है मैं 4:45 के आसपास में वापस आया, तो ये 15 मिनट का टाइम है, तो 15 मिनट का टाइम हमारे लिए बड़े संदेहास्पद था, और हमने सोचा क्या 15 मिनट के टाइम में इस तरह की घटना हो सकती है। पता लगा जिस ढंग से दोनों में स्ट्रगल हुआ है, मारने वाले में और मृतक में, उस ढंग से ये घटना 15 मिनट मतलब टाइम लेगी, 10-15 मिनट का टाइम लेगी। मुलजिम ने घटना को मर्डर फॉर गेन का रूप देने के लिए, लूट का रूप देने के लिए जो सामान था सामान को फैला दिया। जब पुलिस ने बारीकी से निरीक्षण किया तो पता लगा कि कुछ सामान तो फैला हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सामान होता है उसकी तरफ किसी ने हाथ नहीं लगाया। इसका मतलब या तो आदमी को पता नहीं है कि कौन सा सामान है, कौन सा सामान इम्पोर्टेंट है, कौन सा सामान इम्पोर्टेंट नहीं है। अनजान आदमी होगा तो अनजान आदमी तो हर चीज़ को देखेगा, अनटेलेंस हो कि सामान नहीं मिल जाए। लगातार पूछताछ करते रहे, लगातार पूछताछ करने के बाद मृतक का लड़का है विक्की विकास विशाल उर्फ विक्की, इसने को रट पकड़ ली कि साहब मैं तो मेरी पत्नी और बच्ची और माँ के साथ निकला, इतने बजे आया, इतने बजे गया, मैं फला फला जगह था, और वेरीफाई की तो उसके कथन सत्य पाए गए।
लेकिन जब लगातार उससे पूछताछ करते रहे, उसके बयान रिकॉर्ड करते रहे, तो वो धीरे धीरे झटका सा खाने लगा। झटका खाने लगा तो उससे थोड़ी सी बात चीज़ें सत्ताई लाई। सत्ताई लाने के बाद वो टूट गया। जब मैंने मेरे पिताजी का मर्डर किया। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि क्या कोई आदमी अपने पिताजी को मर्डर करेगा? क्या ऐसे क्या कारण है जो पिताजी को मर्डर किए? तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये लड़का मनोवैज्ञानिक रूप से अपने पिताजी से काफ़ी लंबे अरसे से चिढ़ा हुआ था। इसका ये कहना है कि मेरे पिताजी ने जितना ध्यान मेरे कजन्स पे दिया है, मेरे कजन्स को आगे बढ़ाया है, उतना ध्यान मेरे पे नहीं दिया। मेरे पिताजी ने मेरी बहन को पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा ध्यान दिया, मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पिताजी जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में मुझको संग नहीं लगाया और मैं अनअटेंडेड मेंबर की तरह फैमिली में रहा हूँ। तो ये बात उसके दिमाग में घुस गई और घुसते घुसते पिछली दीपावली से